20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में काबुल सहित देश के अधिकतर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन अब भी एक ऐसा प्रांत है जिसे तालिबान कब्जा नहीं पाया। उसका नाम है पंजशीर, यानी फारस के पांच शेर। पंजशीर घाटी नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद का गढ़ है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर देश के उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ता है। यह ऐसा प्रांत है जिसे ना तो तालिबान कब्जा पाया और ना ही कभी सोवियत रूस जीत सका। माना जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ विद्रोह का झंडा यहीं से बुलंद हो सकता है। पंजशीर प्रांत में 7 जिले हैं जिनमें 512 गांव मौजूद हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक पंजशीर की जनसंख्या 173,000 के करीब है और इसकी प्रांतीय राजधानी बाजारक है। नॉर्दर्न अलायंस शुरू से ही तालिबान के खिलाफ जंग करता आया है। 1996 से 2001 के बीच तालिबान इसी फ्रंट की वजह से पूरे अफगान पर कब्जा नहीं कर सका था। इसी प्रांत में ही अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह मौजूद हैं। यहीं से उन्होंने दावा किया कि वह अशरफ गनी के भागने के बाद अफगान के केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो तालिबान के आगे झुकेंगे नहीं। एक तस्वीर भी आई है जिसमें अमरुल्ला सालेह अहमद मसूद के साथ बैठकर बातें करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सब मिलकर तालिबान से मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। अहमद मसूद तालिबान विद्रोही लीडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद अफगानों के हीरो थे जिन्हें 9/11 हमले के पहले अलकायदा और तालिबान ने साजिश रचकर मार दिया था। पंजशीर को आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। 32 साल के अहमद ने लंदन के किंग्स कॉलेज से वार स्टडीज की पढ़ाई की है। 2016 में अहमद वापस अफगानिस्तान लौट आए और 2019 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की। अहमद मसूद भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं और तालिबान का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उनके पिता अहमद शाह मसूद को एक समय में अफगानिस्तान में सबसे ताकतवर माना जाता था। 80 के दशक में अहमद शाह मसूद ने सोवियत रूस की सेना का डटकर मुकाबला किया था और बाद में जब तालिबान यहाँ आया तो वो भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया था। 9 सितंबर 2001 को अलकायदा और तालिबान ने मिलकर अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी थी। माना यह भी जा रहा है कि पंजशीर के लिए इस बार तालिबान का मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है। आसपास के सभी इलाकों पर तालिबान कब्जा जमा चुका है और पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर लौटा है। इतना ही नहीं, उसके आतंकियों के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार हैं। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस हर चुनौती के लिए तैयार है। उत्तरी गठबंधन एक मिलिट्री फ्रंट है जो कि 1996 में बनाया गया था। तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले इस फ्रंट को ईरान, भारत, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की तरफ से भी समर्थन मिला था। अब इसी संगठन ने तालिबान के आतंक के खिलाफ अपना झंडा फहरा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अफगान फोर्स के सिपाही मसूद के बुलावे पर पंजशीर में जुट रहे हैं।